देख रहे थे ये टॉपिक 145 भजन जो है, सचमुच भजन संहिता बहुत खूबसूरत किताब है। आप भजन संहिता रोज एक पढ़ें, हर रोज एक भजन संहिता आपको पढ़ना चाहिए, एवरी डे हर रोज एक भजन आपको पढ़ना चाहिए। और भजन एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता एक दोस्त की तरह, दो मित्रों की तरह उसमें हम देखते हैं, खुल के अपनी भावनाओं का प्रगटावा हम उसमें देखते हैं। दाऊद और अन्य भजनकारों ने जो भजन लिखे, हम देखते हैं कि वो खुल के अपनी भावनाएं परमेश्वर को बताते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, जो कुछ हमारे मन में चल रहा है प्रभु को बता देना चाहिए। हालेलुया। और 145 भजन में हम परमेश्वर की भलाई के बारे में देखते हैं कि वो कितना भला परमेश्वर है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक बात बताई थी, Knowing God is man's greatest privilege, but it is also man's greatest responsibility. मतलब परमेश्वर को जानना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन परमेश्वर को जानना मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। परमेश्वर को जानना मनुष्य की सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा वरदान है आपका कि आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी है। आप नहीं कह सकते हैं कि अच्छा यह सौभाग्य ना मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर को जानना मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अगर हम प्रभु को नहीं जानते हैं, हमारी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती है। यह स्पष्ट है, क्लियर है। इसीलिए प्रभु को जानना अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नहीं जानते हैं परमेश्वर को, मरने के बाद हमारी आत्मा के लिए लोग कितनी भी दुआएं करें, लोगों की दुआओं से हमारी आत्मा नहीं बचती है, हमारे पश्चाताप करने से हमारी आत्मा बचती है। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की प्रार्थना में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, तुझे जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानना मतलब अनंत जीवन, मतलब परमेश्वर को जानने का सीधा सीधा लिंक जो है वो आपकी आत्माओं का क्या होगा मरने के बाद, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप जानते हैं परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को, अब्राहम के परमेश्वर को, इसहाक के परमेश्वर को, याकूब के परमेश्वर को, दाऊद के परमेश्वर को, सुलेमान के परमेश्वर को, यदि आप यीशु मसीह के पिता को जानते हैं, हालेलुया, यदि आप बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं, तो ही आपकी आत्मा का उद्धार हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर को जानना इतना जरूरी है। बहुत से लोग परमेश्वर के कॉमन ग्रेस में बड़े खुश हैं, परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह। सारे बोलो, परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह। ओके, परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह क्या है? जीवन दान जो उसने सबको दिया है। दुनिया के सब लोग जीते हैं, जीवन दान प्रभु ने सबको जीवन दिया है। यह सामान्य, ये जनरल है, कॉमन है, सबको दिया गया है। सूरज की किरणें हैं, सूरज सारे घरों पे, सारी देश में, हर जगह सूरज चमकता है। ये क्या है? परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह, कॉमन अनुग्रह। सांसें, जीवन जीना, बारिश, ये सब क्या है? सामान्य अनुग्रह, कॉमन ग्रेस। संसार क्या कर रहा है? इसी में बड़ा व्यस्त है, परमेश्वर के इस कॉमन ग्रेस को एंजॉय कर रहा है। लेकिन कॉमन ग्रेस से बढ़कर, सामान्य अनुग्रह से बढ़कर, एक उद्धार देने वाला अनुग्रह भी है जो सारे लोगों को नहीं मिला है। इसीलिए हमें परमेश्वर को जानना है। जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानता है, उसी पर परमेश्वर का अनुग्रह, आत्माओं को बचाने वाला अनुग्रह, हमारी आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने वाला अनुग्रह, उसी को मिलता है जो परमेश्वर को जान लेता है। इसीलिए परमेश्वर को जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर बहुत भला है, ही इज अ गुड गॉड, वो बहुत भलाई करने वाला परमेश्वर है। आज हमने बड़े अच्छे गीत गाए, मेरे लिए यहोवा की भलाई काफी है, कभी खत्म नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं प्रभु की भलाइयों को, तो सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के अस्तित्व पर, कि है एक परमेश्वर, सचमुच में परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि जो विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है। पढ़ें, पहले यह विश्वास करना है कि वो है, वो मनगढ़ंत कोई ख्याल नहीं है, सचमुच में परमेश्वर है। और क्या लिखा है? और उसने और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है।
आपने ऐसे लोगों को सुना है, देखा है कभी जो बोलते हैं कोई भगवान भगवान नहीं है? कितने लोगों ने ऐसे लोगों को मिला है कि कोई भगवान नहीं है? हाथ उठाओ, कितने लोगों ने? बाइबल ऐसे लोगों को एक दर्जा देती है। देखें बाइबल क्या बोलती है ऐसे लोगों को, सामने देखें, पढ़े क्या है? मूर्ख ने अपने मन में कहा है परमेश्वर है ही नहीं। जो संसारिक रीति से बुद्धिमान है वो कहता है कोई भगवान नहीं है। परमेश्वर का वचन ग्रंथ उसे क्या कहता है? मूर्ख का दर्जा देता है। केवल मूर्ख कह सकता है कोई भी परमेश्वर नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हमें ठहरानी है वो क्या है, पढ़ें, परमेश्वर का अस्तित्व, सचमुच में परमेश्वर है। जो दूसरी बात हमें जिस पर जो जानना है वो है कि परमेश्वर की महानता। परमेश्वर है, दूसरी बात वो बहुत महान है, अति महान है। आज हमने गीत गाया, प्रभु महान विचारूं कार्य थे, अगर मैं तेरे कार्यों को विचारूं, अगर मैं तेरे कामों के बारे में सोचूं, मेरा मन यही कहता है कितना महान मेरा परमेश्वर है। पहाड़ों को देखता हूं मैं, पक्षियों को देखता हूं मैं, इस पूरी कायनात को देखता हूं, उस नीले आकाश को देखता हूं मैं, उस रात में चमकने वाले सितारों को मैं देखता हूं, समुद्र को देखता हूं मैं, प्राणियों को चलता फिरता देखता हूं। यह बहुत अद्भुत बात है, मनुष्य जो परमेश्वर की रचना है, जिस तरह की ऊर्जा मनुष्य के अंदर है, जिस तरह का आविष्कार इस मनुष्य ने कर दिया है, नई नई चीजों का, नई नई टेक्नोलॉजियों का, कौन है इसके पीछे? मात्र मनुष्य की बुद्धि, एक परमेश्वर है जो बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत महान वो परमेश्वर है। आपको मैंने बताया था पिछले हफ्ते, एक विद्वान परमेश्वर पर किताब लिखने चला, खूब मोटी किताब लिख दी। उसने कहा मैं किताब लिखना शुरू कर सकता हूं परमेश्वर के टॉपिक पर मैं उस किताब का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौन हूं जो परमेश्वर के ज्ञान की किताब पर पूर्ण विराम लगा दूं? मैं फुल स्टॉप लगाने वाला कोई नहीं हूं, मैं केवल परमेश्वर के ज्ञान की किताब को शुरू कर सकता हूं, उसका अंत नहीं कर सकता। इसीलिए वचन में लिखा है 145 के 3 में लिखा है कि उसकी महानता अगम्य है, अनफैदमेबल, जिसे मापा नहीं जा सकता। इतना महान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आपके मन में खुशी हो रही है कि आप एक बहुत महान परमेश्वर के सामने बैठे हैं? जोरदार हालेलुया बजा के, ताली बजा के, हालेलुया चिल्ला के। मैं सब कुछ आपको नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि ये पिछले हफ्ते का था। 145:3 में लिखा है अनफैदमेबल, जिसे मापा नहीं जा सकता, उसकी महानता इतनी है, हम समझ नहीं सकते वो कितना महान है। अगम्य, समझ से बाहर, वर्णन से बाहर, हमारा परमेश्वर महान है। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं एक बात को बताता हूं, जब 2012 में हम जब हिमाचल गए थे, वहां पर मुझे पता चला कि एक एक पहाड़ का एक एक देवता होता है। ओके? मतलब एक छोटा सा एरिया है वहां का एक देवी देवता है, अगले पहाड़ के वहां पे एक अलग देवी देवता है, अगले पहाड़ में एक और देवी देवता है। इस देवी देवता के बारे में दूसरे थोड़ी दूर जाएंगे कोई नहीं जानता है उस भगवान को, उस देवी देवता को, थोड़ी दूर जाएंगे तो इस वाले को कोई नहीं जानता है। हालेलुया। संसार के देवी देवता ऐसे ही हैं, केवल कुछ दूरी तक उनकी जो महानता है, उनका जो ज्ञान है वो सीमित है। हमारा परमेश्वर कैसा है? हालेलुया, समझ से बाहर है। हालेलुया, अनफैदमेबल, बहुत अत्यंत महान हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर की महानता, और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर की भलाई, द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई। सब बोलें परमेश्वर की भलाई। अब परमेश्वर की भलाई का वर्णन 145 भजन में साफ साफ किया गया है। अगर मैं आपसे कहूं परमेश्वर की भलाई आप पर है, क्या आप उससे खुश हो जाएंगे? क्या इस बात को सुनकर खुशी होती है आपको? अगर मैं आपको बोलूं परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर है, क्या यह खुशी की बात है, दुख की बात है? सारे बोले खुशी की बात, दुख की बात है। अगर परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर है, क्या आपको कोई और चीज चाहिए? लेकिन बाइबल क्या बताती है? उसकी भलाई आपके ऊपर नहीं है, वो क्या बताती है? उसकी, पढ़ो सारे क्या लिखा है,
उसकी बड़ी भलाई आपके ऊपर है। हालेलुया। मुझे मेरे जीवन के लिए हिम्मत यहां से मिलती है, परमेश्वर की भलाई मेरे ऊपर नहीं है, परमेश्वर की बड़ी भलाई मेरे ऊपर है। यदि आप विश्वास करते हैं तो इतना वो महान है। अगर वो भला होगा वो भी इस पूरे संसार के लिए काफी है। अगर परमेश्वर इतना सा भी भला है, अगर परमेश्वर इतना सा भी भला है, इस पूरे संसार का कल्याण उतनी सी भलाई से काफी है, क्योंकि वो कितना महान है। लेकिन एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इतनी सी भलाई नहीं, कितनी है, बड़ी भलाई परमेश्वर की हमारे लिए है। ये उसकी भलाई है। विश्वास करो इस बात पर, परमेश्वर बहुत भला है और आपके लिए परमेश्वर भला है। हम डाउट करते हैं, शक करते हैं, कहाँ गया परमेश्वर, क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। परमेश्वर कभी गलतियां नहीं करता है, परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होता है। ये हफ्ता मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था, एक्चुअली बहुत अच्छा था। इस हफ्ते की शुरुआत मेरे लिए अच्छी नहीं थी। सोमवार का दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन उस मीटिंग से बहुत बड़ी उम्मीद मुझे लगी हुई थी। उस मीटिंग करने वाले लोगों ने मुझे बहुत बड़ी उम्मीद दी थी कि एक काम है जो हो जाएगा। वो मीटिंग जब सोमवार को ख़त्म हुई, मंगलवार को सुबह सुबह मैंने उनको पूछा कि मीटिंग कैसी गई। उस मीटिंग के जो मुखिया थे उनसे मैंने पूछा वो मैसेज करके कि मीटिंग कैसी गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई मुझे बताने के लिए कुछ भी, उनका कोई जवाब नहीं आया क्योंकि मीटिंग अच्छी नहीं गई थी। 4 घंटे के बाद हमारी मुलाकात हुई और लगभग 11:30 बजे मुझे बताया गया कि मीटिंग अच्छी नहीं गई। और वो काम जो होना चाहिए था, जो सही है, मुझे पता है कि सही है, उस मीटिंग के मुखिया भी जानते हैं कि वो काम सही है, लेकिन वो काम नहीं हुआ। मेरा मन बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। दिन भर मैं दुख में था। रात को 11:30 तक मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था कि जो ये हुआ है ये अन्याय है और गलत है और इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं हुई है। लेकिन परमेश्वर बहुत भला है। उसके अगले दिन एक मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना थी। बुधवार को मुझे बुरी खबर मिली, मंगलवार को। बुधवार के दिन से लेकर के आज तक मेरा हफ्ता बहुत अच्छा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आशा दी, परमेश्वर ने चमत्कार किए, परमेश्वर ने बहुत से रास्ते खोले, परमेश्वर अद्भुत ढंग से लोगों को। आज शाम को जब मैं यहाँ पे निकला हूँ, एक व्यक्ति से मेरी कोई उम्मीद थी किसी काम को ले, कोई काम था और ये कोई ऐसा काम था जिसके लिए बार बार उनको नहीं बोल सकते हैं हम, एक बार बोल दिया काफ़ी है। 4 दिन पहले उनको एक काम बोला था। आज जब मैं चर्च के लिए निकला हूँ 4:45 बजे, उस भाई का मैसेज आया, खुद उनका मैसेज आया। वो काम मेरा है, वो केवल मदद करने वाले हैं। उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया, मैं आपसे कब बात कर सकता हूं। हालेलुया। कहने का क्या मतलब है, परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी गलत को होने नहीं देगा, और अगर उसने कुछ गलत होने भी दिया उसके पीछे भी कोई कारण है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, वो योजना कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर की, सब बोलो, परमेश्वर की बड़ी भलाई मेरे ऊपर है। अपना हाथ अपने सिर पे रखें, बोलें परमेश्वर की बड़ी भलाई मेरे ऊपर है। आमीन। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि वो अनुग्रहकारी है। सब पढ़ें, क्या है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। अनुग्रह मतलब आपको वो मिलेगा जिसके आप लायक और योग्य नहीं हैं। कितनी खूबसूरत बात है, जिस चीज के हम लायक नहीं, हम योग्य नहीं, जब वो चीज हमको मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात परमेश्वर आपको ऐसी चीजें देगा जिसके आप योग्य नहीं। आज आप और मैं अगर अपने आप को देखें, प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसके योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि हम पापी हैं। परमेश्वर को हमने खोजा नहीं, परमेश्वर को हमने चाहा नहीं, पाप में हम मरे हुए थे, प्रभु ने स्वयं हमें निकाला और जीवित किया और खड़ा किया। हालेलुया। आज हम सबकी आशा परमेश्वर है। घोड़े, लिखा है वचन में कि घोड़ों और रथों पे हमारा कोई भी भरोसा नहीं है, लेकिन जब धर्मी जन गिरता है यहोवा उसे खड़ा कर देता है। ये परमेश्वर की भलाई है हमारे जीवन में। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है।
हम जब उसे पुकारते हैं, हम जब रोते हैं उसके सामने, अपनी दुहाई जब उसको लगाते हैं, वो ज़रूर ज़रूर एक एक जन की दुहाई को वो सुनता है। वो तो ये कहता है तुम मुझे वो लिखा है वे मुझे पुकारेंगे, उनकी दुहाई उनके मुख से निकलने से पहले ही मैं उनकी दुहाई को सुन लूँगा। तुम्हारी दुहाई तुम्हारे मुख से निकलेगी उसके पहले ही परमेश्वर सुनने को तैयार है। हालेलुया। वो हमारे मुंह के शब्दों को ही नहीं, हमारे मन की आहटों को जानने वाला परमेश्वर है। पर यदि हम उसे पुकारें तब, और अगर हम उसको नहीं पुकारते, कितना बड़ा नुकसान। इंग्लिश में गाना है, ओ व्हाट ग्रेस वी ऑफन फॉरफिट, कितना बड़ा अनुग्रह है, दया है जो हम ठुकरा देते हैं अपने आप क्योंकि हम उसको पुकारते नहीं हैं। आज का एक लेसन है जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, वो उनके निकट होता है जो उसके नाम को पुकारते हैं। इसका मतलब जो उसको नहीं पुकारते हैं उसकी निकटता को वो लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। दयालु, दया करने वाला परमेश्वर है। आगे, विलंब से क्रोध करने वाला, मतलब वो चाहे तो जिस घड़ी हमने पाप किया उसी समय न्याय करेगा, हमें नष्ट कर देगा। परंतु क्रोध करने में वो कैसा है, विलंब करता है, देरी करता है, मतलब हमारे साथ धीरज रखता है परमेश्वर। जल्दी से हमारे ऊपर, हमारी गलतियों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रोधित नहीं होता, दुखी होता है, क्रोधी नहीं होता है। दुखी तो वो उसी वक्त होता है जब उसका उसकी आज्ञाओं को हम तोड़ देते हैं, दुखी होता है। वचन तो ये भी कहता है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं, विश्वासियों के लिए कहा गया है, जो दोबारा से परमेश्वर के अनुग्रह को पैरों तले रौंदते हैं और दोबारा से क्रूस पर मसीह को चढ़ाते हैं। अपनी गुनाहों से, अपने ढीठपने से, अपने गैर जिम्मेदार बिहेवियर से हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। परमेश्वर चाहे उसे दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर कंप्लीट है, अपने आप में संपूर्ण है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा संपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों वो दुख करता है? क्योंकि वो प्रेम करने वाला प्रभु है। वो चाहे तो तुरंत हमें खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। जब उसने संसार को पहली बार जब नष्ट किया, जब बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई, 40 दिन तक 40 रात तक जब बाढ़ आई, प्रभु ने इसलिए नष्ट किया था संसार को क्योंकि संसार पाप में डूबा हुआ था। तो प्रभु ने उनको बाढ़ के द्वारा उनको नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने उचित काम किया था, लेकिन नष्ट मानव जाति को देख करके प्रभु ने क्या कहा, मैं दोबारा से कभी इस तरह से नहीं करूंगा। क्या प्रभु ने कोई गलती की थी संसार को नष्ट करके? संसार पापी था, संसार को प्रभु ने नष्ट कर दिया, प्रभु ने कुछ भी गलत नहीं किया, परंतु ये केवल उसका प्रेम था। उसने कहा मैं दोबारा इस तरीके से संसार को नष्ट नहीं करूंगा, और उसने उसका एक वादा किया जो हम चंद्र इंद्रधनुष रेनबो को हम जब देखते हैं, प्रभु ने सबूत दिया, तुम ये उस बात का सबूत है, मैं कभी संसार को इस रीति से कभी भी नष्ट नहीं करूंगा। हमारे प्रभु की एक क्वालिटी है, क्रोध करने में वो धीमा है। हालेलुया। और दया करना अति करुणा में है, रिच इन लव। इंग्लिश में लिखा है अपने प्यार में अमीर, रिच इन लव। सारे बोलो, अपने प्यार में अमीर है परमेश्वर। अपने प्यार में कैसा है उषा? अमीर है अपने प्यार में। हालेलुया। अति करुणा में, हिंदी में लिखा है, सबके लिए भला है, हिंदुओं के लिए भी भला है, मुसलमानों के लिए भी वो भला है, नास्तिकों के लिए भी वो भला है, हर धर्म के लोगों के लिए हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कहता पहले अपना आधार कार्ड दिखाओ मुझे, चर्च का आधार कार्ड दिखाओ। हालेलुया, ऐसा नहीं है। जिसको उसने सृजा है उसको वो प्यार करता है। इसलिए जब आप दुखी लाचार लोगों को देखते हैं, बीमार लोगों को जब आप देखते हैं, उन्हें प्रभु के बारे में बता दें, उन्हें चर्च में लेके आए। अगर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आप उन्हें बोलें मैं यीशु मसीह से आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं पिता परमेश्वर से आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। वो सबके लिए भला है। पढ़ें आगे क्या है। अपने ये सारी बातें मैंने नहीं लिखी हैं, ये कहां से निकाली है हमने? भजन संहिता 145 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अपने सभी वादों में भरोसेमंद है, हम उस पर लीन कर सकते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं।
परमेश्वर जो वादे करता है आपसे, आप जब बाइबल पढ़ते हो, जब आप उसके महानता के बारे में पढ़ते हो, उसकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर भी लागू होता है जो आप पढ़ते हो वचन में। ग्रहण करो उसे विश्वास के साथ। जब कोई आपके लिए भविष्यवाणी करता है, जब कोई आपके साथ प्रार्थना करता है, बाइबल के वादे जो आप पढ़ते हैं, प्रभु उनमें भरोसेमंद है, कभी धोखा नहीं देगा। साफ साफ लिखा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आगे क्या लिखा है पढ़ो, वफादार है परमेश्वर। हालेलुया। कभी भी जो भरोसा जो आपने किया उसे कभी भी नहीं तोड़ेगा। अगला आगे क्या लिखा है, गिरते हुओं को उठाने वाला, संभालने वाला। अगर आप गिरे पड़े हैं कमजोरी में, पाप में, इवन दुखों में गिरे पड़े हैं, हिम्मत नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास करो प्रभु की भलाई पर, वो गिरे हुओं को उठाता है, सभी को भोजन देता है। कितने लोगों ने दोपहर में खाना खाया? आज दोपहर में हमने चने की दाल और पालक खाया, पर किसने दिया? पत्नी ने दिया। जो भी हमने खाया आज दोपहर में, जो भी हमने खाया, हमारा पालनहार कौन कहलाता है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा पालनहार है, सभी को भोजन देता है। वचन में कितना खूबसूरत वो गाना है, आकाश के पंछियों को खिलाता है वो। वो तो ना मेहनत करते, ना बोते, ना काटते, ना बैंक अकाउंट, ना आधार कार्ड, ना कुछ है पक्षियों का ये सब कुछ, परंतु पक्षी खाना खाते हैं क्योंकि परमेश्वर उनको देता है। सभी को भोजन देने वाला परमेश्वर है। अंत में क्या लिखा है, हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करता है। कितनों के पास दिल है? शर्माने की क्या जरूरत है? सबके पास है? अच्छे से दिखाएं अपना दिल तो दिखाने देते, हाथ दिखा दो। कितनों के पास दिल है? अपना हाथ दिखा दो। इस दिल में इच्छाएं हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा दिल की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। कितने लोग जानना चाहते हैं दिल की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? उसकी भलाई का एक वर्णन है, वो दिल की इच्छाओं को पूरा करने वाला कहलाता है। उसने मेरे दिल की बहुत सी इच्छाओं को पूरा किया है, उसने आप में से बहुतों की इच्छाओं को पूरा किया है, और वो आगे भी पूरा करेगा। पर कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। हाउ टू एंजॉय दिस गुडनेस ऑफ गॉड, किस प्रकार हम परमेश्वर की इस भलाई का हम आनंद उठा सकते हैं। यदि हम सचमुच में अब जान गए हैं कि परमेश्वर भला है, सारे जोर से बोलो परमेश्वर भला है, सारे बोलो परमेश्वर भला है। अब सवाल उठता है, वो भला तो है, कैसे मैं उसकी भलाई का आनंद उठा सकता हूं, कैसे उसकी भलाई मेरी रीति में पूरी तरह से काम कर सकती है, या यदि मैं परमेश्वर को जानता हूं कि वो भला है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं आराम से ठाट से बैठकर उसकी भलाई का आनंद लेता रहूं? क्या करना चाहिए मुझे? अगर प्रभु भला है, मेरा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बनता है, क्या करना चाहिए मुझे? परसों रात को मेरे पिता के छोटे भाई, मेरे चाचा, वो एक महीने से इधर थे, कुछ दिन हमारे साथ रहे। उनको हम एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए रात को 10-11 बजे, और एयरपोर्ट के उनको छोड़ दिया, और हम वेट कर रहे थे कि वो चेक इन कर लें और बोल दें कि मेरा चेक इन हो चुका है, फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन हम खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। एक लड़का बिल्कुल जहां से लोग अंदर जाते हैं अपना लगेज लेके, एक लड़का खूब ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा था, और वो अपने ड्राइवर का नाम ले रहा था, कुछ तो भी उसने नाम लिया, टीटू नाम आई थिंक था उसका शायद, टीटू जोर जोर से। टीटू कहाँ चला गया? टीटू धौला कुआं पहुंच चुका था, क्योंकि ड्राइवर ने उसको छोड़ के अपना काम कर दिया, चला गया। अब वो चिल्ला रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो ये लड़के की गलती क्या थी कि उसने 40-50 किलो सामान ज़्यादा ले लिया था। एयरलाइन वाले ज़्यादा भारी सामान अलाउ नहीं करते हैं, तो उसने सोचा कि मैं फटाफट जाके दरवाजे पे जाता हूँ, अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाऊंगा कि ये सामान वापस घर छोड़ देना, ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो ड्राइवर बहुत दूर पहुंच चुका था, हम वहाँ पे खड़े थे, और वो हक्का बक्का हैरान परेशान दुखी, आंसुओं की बस कमी थी, पर बहुत परेशान था। हमने उससे पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? क्योंकि मुझे मालूम है इसको टीटू तो नहीं मिलने वाला है। तो हमने बोला कि हाँ भैया बताओ, इधर जॉय आपकी सेवा में हाजिर है।
वो भागा भागा मेरे पास आया और उसने बोला अपना कार्ड मुझे दे दो। तो मैंने अपनी वॉलेट से अपना कार्ड, वो कार्ड भी किसी और का था, मैंने बोला रुक रुक ये मेरा कार्ड नहीं है, अपना अपना नंबर तो लिख दूँ। वो बोला था कि आप बस मुझे नंबर दे दो, मुझे फटाफट भागना है अंदर, मैं आपको कॉल करता हूँ कि काम क्या है। जब वो अंदर गया तो वहाँ से कॉल आया कि मेरा ड्राइवर है, आप थोड़ा वेट करना, ड्राइवर आके वो मेरा सामान ले जाएगा। हमने आधा पौना घंटा वेट करी वहीं पार्किंग में और फिर ड्राइवर आया और चला गया। उसका फिर फ़ोन आया लड़के का और उसने बहुत धन्यवाद दिया मुझे। उसने ये तक कहा अंत में, उसने ये कहा मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे इस काम के लिए। उसने कहा मुझे आपको कितने पैसे मुझे आपको देने होंगे। ऑफकोर्स हम पैसे तो नहीं लेंगे उस बात के लिए, बट मैं क्या कह रहा हूँ, जब उसने मेरी जब उसने हमारी भलाई को देख लिया, वो कितना खुश था और कितना धन्यवादित था, कुछ भी करने को तैयार था, राइट? एक छोटे से काम के लिए पैसे देने को भी तैयार था। ये मैं आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, जब परमेश्वर इतना भला है, कुछ ना कुछ हमारा प्रतिउत्तर बनता है। प्रभु अगर तू इतना भला है, मैं क्या करूं, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए तेरे साथ, मैं तुझे किस प्रकार धन्यवाद दूं, खुदा मेरा जवाब क्या होना चाहिए तेरी भलाइयों को लेके। तीन बातें हम इसमें देखते हैं जो यही भजन हमें सिखाता है। सब लोग अपनी बाइबल में 145 का 18 पढ़ लीजिए। आई वॉन्ट कि हर कोई बाइबल खोल के पढ़ेगा, कोई भी सुस्ती ना करे, बाइबल खोलो 145 का 18 वचन पढ़ो। सब लोग पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो। हाँ, परमेश्वर उनके निकट रहता है जो उसे पुकारते हैं, जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। हम किस प्रकार प्रभु की भलाइयों का आनंद उठा सकते हैं, अगर हम चाहते हैं प्रभु मेरे निकट रहे। कितने लोग चाहते हैं मेरे निकट रहे, मेरे साथ साथ रहे। वचन में क्या लिखा है, जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं, जितने लोग उसे सच्चाई से पुकारते हैं, वो उनके निकट रहता है। क्या करना है हमें, अगर हम चाहते हैं उसकी भलाइयों का आनंद उठाना, सामने देखें, सच्चाई से उसके नाम को पुकारें। दिस इज व्हाट वी शुड डू, ये हमें करना है। हर एक विश्वासी परमेश्वर की संपूर्ण भलाई का आनंद नहीं उठा रहा है। बहुत से विश्वासी लोग अपने मसीही जीवन में आनंद से वंचित हैं, जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है मसीही जीवन में। तो फिर फायदा क्या हुआ मसीह में आने का। सब लोग प्रभु के भलाइयों का आनंद चख नहीं रहे हैं। प्रभु का आनंद सबके लिए है, प्रभु की भलाई सबके लिए है, परंतु कब प्राप्त होगी, कब उसकी निकटता प्राप्त होगी, क्या लिखा है, कब प्राप्त होगी, पढ़ बताओ, सब बोलो, कब, जब हम सच्चाई से उसके नाम को पुकारें। प्रभु ने कुछ लोगों के बारे में धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि इनके होठों से तो ये मेरा नाम जपते हैं, परंतु इनके हृदय मुझसे दूर हैं। कहीं ऐसी दशा तो नहीं है हमारी, वी आर जस्ट ऑफरिंग मियरली अ लिप सर्विस टू गॉड, केवल अपने होठों का शब्द हम उसे चढ़ा रहे हैं, उसे होठों के शब्दों से बढ़कर दिल का भाव उसे अच्छा लगता है। तभी तो उसने कहा उनके मुंह से दुहाई निकलने से पहले ही मैं उनकी दुहाई को सुन लूंगा, मतलब वो दिल में क्या है उसको देखता सुनता स्वीकार करता है और फल देता है। सच्चे मन से उसे पुकारें। एक चीज जो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, ये बताओ शब्द क्या है, मतलब प्रभु को पुकारना है तो सच्चाई के साथ पुकारना है। ये केवल मन की सच्चाई की बात नहीं हो रही है, यीशु ने कहा राह सच और जीवन मैं हूं। अर्थात अगर हम प्रभु को पुकारना चाहते हैं, किसके नाम से पुकारना पड़ेगा, यीशु के नाम से पुकारना पड़ेगा। अगर हम कहें हे ऊपर वाले, हे मालिक, हे मेरे प्रभु, सब कुछ चलेगा, ठीक है, लेकिन तुम किसको प्रभु मानते हो। अगर कोई मनुष्य तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है तो आपका प्रभु को पुकारना किसी काम का नहीं है। अगर आप किसी बाबा को परमेश्वर का स्थान देते हो तो मालिक मालिक कहने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग, हमारा पूरा देश मालिक मालिक करता, नहीं करता है, हमारा पूरा देश बोलता है ऊपर वाला। यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है स्वर्ग जाने का। यीशु ने कहा अगर तुमने मुझे देख लिया, परमेश्वर को देख लिया।
इसलिए सच्चाई से उसके नाम को पुकारे, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को पुकारना है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें दे देगा। इसका मतलब यीशु मसीह को जानना हमारे लिए अति अनिवार्य है, यीशु मसीह को जानना हमारे लिए जरूरी है और सच्चे मन से उसके नाम को पुकारना है। खत्म करना चाहिए हमें अभी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, 145 के 19 में क्या 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 पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए हमें, पढ़ो, उसके आदर में उसका भय माने। 19 पढ़ें तो पता चलेगा, 19 पढ़ें, सब लोग पढ़ें। जो उनसे डरते हैं वो उनकी इच्छा को पूरा। अभी मैंने आप लोगों से कहा था, कितनों के पास दिल है हाथ दिखाओ। आपके पास दिल नहीं है भैया, कौन ले गया? हम सबके पास दिल है, दिल में इच्छाएं किसके किसके पास है, सच बोलना। मेरे पास तो बहुत सारी है। दिल सबके पास है, इच्छाएं सबके पास है, प्रभु का डर किसके पास है? वो कहता है कि जो उससे डरते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, वो उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। आज सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था, मैं रोज ब्रश करता हूं, जब मैं ब्रश कर रहा था, एक बहुत ही विचित्र ख्याल मेरे मन में आया। आप मत सोचना कि भैया कितना नेगेटिव सोचते हैं, मैं इतना नेगेटिव नहीं सोचता हूं, पर आज सुबह मैंने सोचा, मैं ब्रश कर रहा हूं और मेरी दादी का कमरे का पर्दा मैंने ऐसे ढक दिया और मैं ब्रश कर रहा हूँ। मुझे सोचना तो कुछ और चाहिए था, बट मैं क्या सोच रहा मालूम है? मैं सोच रहा था क्या होगा अगर मेरे घर में इस समय सांप आ जाए। और मेरे मन में आ रहा था कि अगर मेरी मृत्यु सांप काटने से होगी तो लोग क्या बोलेंगे मेरे मरने के बाद, जॉय भैया को सांप कटने से डेथ हो गई। मैं क्या कह रहा था, मतलब मेरे मन में ये बड़ा बेकार ख्याल आया कि अगर सांप मेरे घर में आ जाए और सांप मुझे काट ले, अगर सांप आपको अपना दर्शन दे, दर्शन का मतलब ये नहीं कि, लेकिन अगर सांप आपके सामने आ जाए, दुनिया के 2% लोग उसको प्रणाम करेंगे, तकरीबन है ना, उसको प्रणाम करेंगे। एक बार हम सब कुछ लोग थे और हम एक 7D का शो देखने, कितने लोगों ने 7D का शो देखा है जो थिएटर में चलता है ना, मतलब उसमें सब जानवर और सब स्क्रीन पे आते हैं और वो आपको चश्मा लगाना पड़ता है, तो ऐसे लगता है कि वो आपके ऊपर आ रहे हैं और वहाँ पे गेम खेलते, उस तरह का एक शो था। तो हम काफ़ी लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब गेम्स थी और समुद्र का पानी था और सब हमारे ऊपर आ रहा है ऐसा लग रहा था। फिर आई जानवरों की बारी तो उसमें से सांप भी आ गया और सांप घूमता घूमता लग रहा है हमारे ऊपर आ रहा है। तो मेरे साथ में जो अंकल बैठे थे उन्होंने दूर से बोला, ए नाग देवता। तो कहने का मतलब, अगर सांप आपके सामने आए, कोई भयानक जानवर अगर आपके सामने आए, तो आप क्या करेंगे, उसके नज़दीक जाएंगे या उससे दूर जाएंगे? बहनें डर गई, अभी तक सहमी पड़ी, यहाँ पे कुछ नहीं है, बोलो, अगर सांप आपके सामने आए आप उसके पास पास जाओगे या उससे दूर भागोगे? तो जिससे हम डरते हैं हम उससे दूर भागते हैं, हाँ या ना? यहां पे लिखा है परमेश्वर का भय मानो, वचन में लिखा है परमेश्वर का डर मानो। जानवरों का डर, भयानक वस्तुओं का डर, भयानक लोगों का डर और परमेश्वर का डर, इसमें अंतर है। भयानक जानवर का डर कैसा है, हमें उससे दूर भगाता है, परंतु परमेश्वर का डर कैसा है, हम आदर के साथ उनको प्रणाम करते हैं। इसीलिए लिखा है आदर के साथ, आदर में उसका भय माने। परमेश्वर का भय मानना मतलब प्रभु से डरना नहीं। अगर प्रभु भय, उस प्रकार के भय का व्यक्ति होता तो परमेश्वर की इतनी लंबी भलाई की लिस्ट जो हमने देखी क्या होती? अगर जितनी बड़ी भलाइयों की लिस्ट हमने देखी है तो वो इसी योग्य है हम उसका भय माने, अर्थात हम उसकी आदर करें। वचन में लिखा कि तुम सफेद बालों वालों, जो तुम्हारे आमने सामने, जब सफेद बालों वाले बुजुर्ग आते हैं, वचन साफ साफ सिखाता है आदर के साथ उसके लिए खड़े हो जाओ। आजकल की मॉडर्न जमाने में ना हम हेलो हाय और एक बहुत ज्यादा, इतना मॉडर्न जमाना हो चुका है कि हम बड़ों का भी नाम लेके पुकारते हैं। कई कल्चर्स में चलता है लेकिन आदर तो दिल में होता है, वो भी नहीं होता आजकल। मैं
मैं चाहता हूं कि सत्संग के लोग इस बात को सीखें, जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका आदर हमेशा करें, जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका हमेशा आदर करें, खड़े होकर के उनका उनको नमस्ते करें, उनको जय मसीह की बोलें। ये वचन सिखाता है जो तुमसे बड़े हैं उनका आदर करो। लेकिन जो बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर वचन, अगर परमेश्वर का वचन ही सिखाता है कि तुम बड़ों का आदर करो और आदर में बड़ों के लिए खड़े हो जाओ, तो हमारे परमेश्वर के लिए हमें कितना आदर में क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या करना नहीं चाहिए। बहुत बार हम प्रभु को हल्के में लेते हैं, बहुत बार कलीसिया में हम बैठे हैं हल्के में लेते हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, बातें कर रहे हैं, 10 बार बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के आदर का हमें कोई ध्यान नहीं है कि ये सच्चे और जीवित प्रभु का मंदिर है और यहाँ पर कोई जॉय भैया का वो नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है और हमें इस प्रकार परमेश्वर का आदर भय मानना चाहिए। दिल सबके पास है, इच्छाएं सबके पास हैं, इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये प्रार्थनाएं भी सबके पास हैं, परंतु वचन कहता है जो उसका भय मानते हैं उनकी इच्छाओं को वो पूरा करता है। प्रभु की भलाई का आप आनंद उठा सकते हो, पूरी भलाई का आनंद उठा सकते हो अगर आप प्रभु का भय मानते हो, अर्थात अगर आप प्रभु का आदर करते हो। आखिरी बात जो हम पढ़ते हैं, 20 में पढ़ें और खत्म करें, 20 पढ़ें, 1 2 3 सब पढ़ें। हाँ, तीसरी बात क्या लिखा है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है परंतु जो दुष्ट लोग हैं उनको वो सत्यानाश करेगा। कभी कभी मुझे ना ये दूसरी लाइन बड़ी अच्छी लगती है, दुष्टों का सत्यानाश, परंतु हमेशा जो है जजमेंट, न्याय, फैसला परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। वचन कहता है तेरा पलटा मैं लूंगा, तेरा बदला मैं लूंगा, पर वो जो वादा हमसे करता है वो क्या है, दोबारा से पढ़ो, तीसरी बात क्या है, 20 वचन पढ़ो, यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है। तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, सामने देखें, अगर हम प्रभु की भलाइयों का आनंद उठाना चाहते हैं, क्या है वो तीसरी चीज, पूरे मन से उसको, हालेलुया, यहां पे लिखा है द लॉर्ड वॉचेज ओवर ऑल दोज हु लव हिम, परमेश्वर उनको देखता है, बड़े ध्यान से उनको देखता है। आपके हिंदी में लिखा हुआ बाइबल में, वो उनकी उनकी रक्षा करता है जो उससे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल को सबसे बड़ा आदेश यही दिया था, सुन हे इज़राइल, हियर ओ इज़राइल, सुन हे इज़राइल, यहोवा तेरा परमेश्वर एक है, तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, अपनी पूरे आत्मा से, अपनी पूरी शक्ति से तू उससे प्यार कर। एक आदमी प्रभु के पास आया, खुदा मैं क्या, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, प्रभु ने मत्ती उसके 22:36-37 में देते, प्रभु ने कहा द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इन द लॉ, मतलब पुराने नियम का सबसे बड़ा जो हुक्म है, जो आदेश है, वो यही है, हम परमेश्वर को सबसे बढ़कर प्रेम करें। मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, जिसको आप जानते नहीं उसको प्रेम नहीं कर सकते, जिसको आप जानते नहीं उसको आप प्रेम नहीं कर सकते। और ये बात जो है हमें बिल्कुल वहीं पे लाके खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरू किया था, परमेश्वर को जानना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है और मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। यदि आप उसको जानेंगे आप उसको प्यार करेंगे, और परमेश्वर के प्यार का सबसे बड़ा सबूत उसका पुत्र है, उसके पुत्र की मौत है, क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। जबकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया, सारी मानव जाति ने पाप किया, परंतु सारी मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र धरती पर भेजता है, क्रूस पर यीशु मसीह अपनी जान पूरे संसार के लिए देता है, ये परमेश्वर के प्यार का सबूत है। अगर आप एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली इस बात को बताना चाहता हूं, जो क्रूस की तारीफ नहीं कर सकता वो कभी परमेश्वर को, कोई और चीज उसे कभी खुश नहीं करेगी। आपकी सबसे गहरी तृप्ति, सेटिस्फैक्शन जो है ना, आपके मन की शांति,
अगर क्रूस की कहानी, अगर क्रूस की कथा आपके दिल को नहीं पिघलाती है, प्रभु का कोई भी चमत्कार आपको पिघला नहीं सकता। क्योंकि जब आप प्रभु से बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट, दर्जनों लोगों को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, दर्जनों लोग जो प्रभु के पास कोई ना कोई समस्या का निवारण करने के लिए आए थे, समस्या दूर हो गई, वो भी प्रभु से दूर हो गए। लेकिन जो क्रूस को समझ लेता है, जो प्रभु की मृत्यु की अहमियत को समझ लेता है, वो कभी खुदा से दूर नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु को जाने, यीशु मसीह को जाने, क्रूस को जाने, उसने क्रूस पे आपके लिए क्या किया है, तब आप उसको प्यार कर पाएंगे। जिसको आप जानते नहीं, उसको आप प्यार नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर को जानने में आपका जीवन समर्पित है? क्या परमेश्वर को जानने में आपकी लगन लगी हुई है? क्या परमेश्वर को जानने में आप अपना समय बिता रहे हैं? क्या परमेश्वर को जानने में आप अपनी एनर्जी, अपनी लगन, अपनी चाहत, अपने दिल की गहरी इच्छा, अगर परमेश्वर को जानने में नहीं है, अन्य बातों को जानने में है, तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं कि आपके जीवन में आनंद नहीं है। परमेश्वर बहुत भला है, उसकी भलाइयों पर दो हफ्ते हमने 145 भजन को देखा है। घर जाके मैं विनती करता हूँ आपसे, धीरे धीरे आज रात को आपको केवल 10 मिनट लगेंगे, शायद 15 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज रात को सोने से पहले 145 भजन को निकालें, धीरे धीरे उस भजन को पढ़ें, आपकी आत्मा के अंदर समाने दें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तीन बातें हमने खास देखी हैं, परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर की भलाई के नीचे बहुत सी बातों को हमने देखा, किस प्रकार की भलाई है इस परमेश्वर की, और कैसे हम उस भलाई का आनंद उठा सकते हैं, कैसे परमेश्वर की भलाई का हम प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। वो ये तीन चीज़ें हैं, मेरे साथ पढ़ें। पहली बात पढ़ें, सच्चाई से उसके नाम को पुकारें, उसके आदर में उसका भय मानें, पूरे मन से उसको प्यार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।